नमस्कार। आज हम आपके समक्ष डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, चर्चा के लिए एक विषय लेकर आए हैं, जेंडर एक अध्ययन और उसका ऐतिहासिक कालखंड। मित्रों, यह ब्लॉक 2 और इकाई 4 का एक प्रश्न पत्र है, जिसके आधार पर आज हम आपसे बात करेंगे। हम पहले ये समझ लेते हैं कि जेंडर कहते किसे, इसका प्रत्यय क्या है। तो देखते हैं कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर एक प्रत्यय, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे कि प्राय हम लोग जेंडर का प्रयोग करते हैं कि ये फला जेंडर, ये फला जेंडर, ये फला जेंडर। जो असली बात है वो जेंडर और सेक्स या लिंग, ये दोनों समानार्थी नहीं है। हाँ, बोलचाल की भाषा में इन दोनों को समानार्थी मान लिया जाता है। अब कारण क्या है कि यह ऐसे क्यों है? कारण यह है कि इन दोनों में बहुत महीन अंतर है जिसको समझने की जरूरत है। तो जब हम प्रत्यय को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो महीन अंतर कौन सा है। पूरी दुनिया में 3 जेंडरों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उनकी पहचान की गई है, जो उनके शारीरिक जैविक लक्षणों के आधार पर, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। इधर अभी हाल फिलहाल में देश में तीसरे जेंडर को भी मान्यता मिली है और उनको वो सारे अधिकार मिले हैं जो किसी पुरुष किसी महिला को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अब जब हम अध्ययन करेंगे तो तीनों की बात करेंगे। तीनों की बात करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि वह हमारी आज की पूरी दुनिया के समाज में उनकी पहचान सुनिश्चित की गई है, उनको अधिकार और उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अभी कुछ वर्षों तक पूरी दुनिया ने तीसरे जेंडर को, थर्ड जेंडर को या ट्रांसजेंडर को मान्यता नहीं दी थी, किंतु अब उनको भी मान्यता दी गई है। अब यह जो अंतर है तीनों का, वह उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर अंतर निर्धारित किया गया है। यह तो हुआ सेक्स, या हिंदी में इसे कहते हैं लिंग आधारित अंतर। अब आप देखेंगे कि लेकिन जेंडर का जो असल रूप है, जिसको जेंडर कहते हैं, वह दूसरा संबोधन है जिसको सांस्कृतिक संबोधन कहते हैं। जेंडर एक समूह का संबोधन है, एक समुदाय का संबोधन है, और इसको हम सेक्स या लिंग से अलग करके देखते हैं। या अगर हम जेंडर कह रहे हैं तो यह इसका आशय यह नहीं है कि वह फला लिंग पर आधारित है, फला सेक्स पर आधारित है, कि वह महिला है कि पुरुष है कि ट्रांसजेंडर है। इसका कारण हम समझ लेते हैं पहले। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में जैव विविधता के आधार पर जो लक्षण हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वो यूरोप की महिला हो, चाहे एशिया की महिला हो, चाहे अफ्रीका की महिला हो, या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, उनकी जैव शारीरिक संरचना जो है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं हुआ है। लेकिन विभिन्न समाजों ने बदलते हुए कालक्रम में तमाम सामाजिक परिवर्तनों और सामाजिक नियंत्रणों के कारण उत्तरदायित्वों में और अधिकारों में परिवर्तन किया है। तो अब यह जो परिवर्तन है यह जेंडर को बताता है कि जेंडर क्या है। यह सेक्स से संबंधित नहीं है। अगर सेक्स ही आधार होता तो जिस तरह के अधिकार और उत्तरदायित्व एशिया के देशों में महिलाओं को हैं, उसी तरह अमेरिका में भी होते, क्योंकि शारीरिक संरचना के आधार पर महिलाओं और पुरुषों की जो जैव क्रियाएं होती हैं वह तो दोनों पूरी दुनिया में एक समान है, कहीं भी कोई अंतर नहीं है, किंतु सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण, सांस्कृतिक अलगाव के कारण, विभिन्न संस्कृतियां होने के कारण, विभिन्न समाज होने के कारण उत्तरदायित्वों में अंतर है। अब यह जो उत्तरदायित्व है इसी को हम जेंडर से संबोधित करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसकी जेंडर एक सांस्कृतिक संबोधन,
जेंडर का संबोधन जो है या संस्कृत का संबोधन है। इस प्रकार जेंडर एक ऐसा प्रत्यय है जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न सामाजिक और जैविक शारीरिक लक्षणों के आधार पर इसको संबोधित किया जाता है, इसको बताने की कोशिश की जाती है। ओकले ने एक परिभाषा दिया है, जेंडर का संबंध संस्कृत से है, इसका तात्पर्य पुरुषों एवं महिलाओं का पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित वर्गों में सामाजिक विभाजन, यह वैयक्तिक विभाजन नहीं है। यहाँ इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के शारीरिक नहीं बल्कि वैयक्तिक नहीं बल्कि सामाजिक विभाजन है, वह व्यक्ति के और व्यक्ति के आधार पर विभाजन नहीं है। अब यहाँ हम यह समझ लें कि यह सेक्स या लिंग से किस तरह आधार, एक महिला और एक पुरुष किसी समाज में उसके उत्तरदायित्व और उसके अधिकार दोनों अलग अलग समाजों में अलग अलग हैं। अब लेकिन सामाजिक अंतर होने के कारण, वहाँ की भूभौगोलिक परिस्थितियों के कारण, वहाँ के सामाजिक नियमों के कारण, वहाँ के कानूनी प्रक्रियाओं के कारण, तमाम तरह के नियम जो एक दूसरे से अलग अलग सभ्यता और संस्कृतियों में अलग अलग हैं, किंतु जैविक संरचना जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है वह पूरी दुनिया में। तो जो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह सामाजिक संबोधन है जेंडर, यह शारीरिक संबोधनों के आधार पर यह अंतर नहीं है। यह दो चीज़ें हुई, पहला कि सेक्स शारीरिक रचना के आधार पर जो तीन जेंडर डिसाइड हुए हैं वह किसी प्रकार का कोई परिवर्तन पूरी दुनिया में नहीं है, जबकि संस्कृतियों और समाजों के आधार पर इसमें परिवर्तन है। वो इसलिए परिवर्तन है कि इनके उत्तरदायित्व और अधिकार हर जगह अलग अलग हैं। हर जगह से आशय यहाँ है कि विभिन्न जगहों पर, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खुले समाज हैं, बंद समाज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, संसाधनों के वितरण के द्वारा भी इनके उत्तरदायित्वों और अधिकारों को कहीं ना कहीं से परोक्ष अपरोक्ष प्रभावित किया जाता है या प्रभावित होता रहता है। इन परिस्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि जेंडर और सेक्स दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर, या इनके शारीरिक लक्षणों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया पूरी दुनिया में, लेकिन उनके उत्तरदायित्वों और अधिकारों में अंतर आया। अब हम आगे देखते हैं कि जेंडर एक सामाजिक संबोधन, यह बात किसी से नहीं छिपी है कि पूरी दुनिया में पुरुष सत्तात्मक समाज का वर्चस्व आज भी है, वह चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, या कोई भी जगह दुनिया में ऐसी नहीं है जो कम या ज़्यादा पुरुष सत्तात्मक समाज वहाँ न हो। ऐसी स्थिति में अगर असंतुलित सामाजिक व्यवस्था है तो निश्चित रूप से किसी एक वर्ग को अधिक अधिकार मिलेंगे और दूसरा वर्ग कम अधिकार के साथ जीवन जिएगा। अब ऐसा क्यों है? यह शारीरिक लक्षणों के आधार पर, पूर्व में की गई एक अवधारणा के आधार पर यह माना गया है कि पुरुष जो है वह महिला से श्रेष्ठ है, महिला उससे कमतर है। अब तो तीसरे, अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो वह तो समाज से लगभग बहिष्कृत था और सभी समाजों से यह स्थिति थी। हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज में यह परिस्थितियाँ थोड़ी समय से परिवर्तित हुई, उसमें विकास का कालक्रम ज़्यादा हुआ, इस नाते उनको अधिकार और उत्तरदायित्व समय से पूर्व मिल गए। समय से मतलब यहाँ है कि तीसरी दुनिया के देशों से थोड़ा पहले मिल गए, गरीब देशों की दुनिया से पहले मिल गए। लेकिन विभेद वहाँ भी रहा, अंतर वहाँ भी रहा, परिस्थितियाँ अब बदली हैं। हमारे यहाँ देखेंगे आप भारतीय संस्कृति में, अगर हम अपने उज्ज्वल पक्ष को देखते हैं तो जो भी चर्चाएँ की गई हैं वह पुरुष पात्रों की चर्चाएँ हैं, चाहे वो महाकाव्य काल हो,
चाहे कोई और काल हो, चाहे ऐतिहासिक कालखंड में हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि पुरुषों का सारी एक्टिविटीज में, सारी क्रियाओं में, चाहे वो सांस्कृतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, सब में वह बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी रही है और वह उसका अधिकार भी रहा है, उत्तरदायित्व भी रहा है, उन्होंने दोनों को स्वीकार किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से समाज असंतुलित हो जाए, या नहीं होना चाहिए था जो हुआ। तो अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐतिहासिक कालखंड में हमारे काव्यखंडों में, जो महाकाव्य काल है, उसमें जैसे एक घटना है रामायण काल की, जिसमें एक पात्र है जिस पात्र को आधार बनाकर राम का वनगमन निर्धारित किया गया, और आगे जो युद्ध हुए उसमें राम रावण जो युद्ध हुआ उसमें सीता के मारीच के द्वारा बनाए गए कंचन मृग को आधार बनाकर उनको दोषी ठहराया गया। मतलब वह काम बताया गया, वह बात बताई गई कि युद्ध का कारण ये और ये रहा, जबकि युद्ध के कारण और भी दर्शाए जा सकते थे, किंतु उन परिस्थितियों में युद्ध का कारण यही दर्शाया गया। तो मेरे कहने का आशय यह है, और उसी तरह ठीक महाभारत काल में द्रौपदी को पूरे महाभारत के युद्ध के लिए बनाया गया कि ये इनकी वजह से ये युद्ध हुआ। इन दोनों घटनाओं के बताने के पीछे मेरा आशय यह है कि जब रचनाएं हुई महाकाव्य काल में, जब रचनाएं की गई या उसके पहले उसके बाद, जबकि वैदिक काल में तो ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन उसके बाद जब ये परिस्थितियां सामने आई, उसके बाद के जो साहित्य रचनाएं हुई, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, रणरेख लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, उनमें कहीं ना कहीं पूरी तरह निष्पक्षता नहीं है। कुछ न कुछ जेंडर आधारित, सेक्स आधारित कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं जो असंतुलन को पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि यह दुर्घटनाएँ पुरुष पात्रों के कार्यों को महिलाओं का आधार बनाकर इसको संबोधित करने का प्रयास किया गया, जिससे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। आगे देखते हैं जेंडर अध्ययन की अकादमिक दिशा। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है कि दुनिया में तमाम तरह की प्रगतियां हुई। जैसे हम हजारों साल के अपने ऐतिहासिक कालक्रम को देखें तो उसमें देखते हैं कि तमाम तरह के विकास हुए, साइंस के क्षेत्र में विकास हुए, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुए, सामाजिक विकास हुए, आर्थिक विकास हुए, मनुष्य एक आदम सभ्यता से निकलकर सामाजिक सभ्यता में आया, और इन सारे भागों पर, इन सारे सारी विषयों पर विशद अध्ययन हुआ, शोध हुआ, लेकिन स्त्री महिला के अधिकारों और उसके उत्तरदायित्वों और उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक उपस्थिति के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे भारत हो, या दुनिया का कोई अन्य और भाग हो। जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल आश्चर्य का विषय है कि इनको क्यों पीछे रखा गया। कालखंड के अनुसार हम देखें तो 18वीं सदी से लेकर 1920 तक समाजवादी नारी आंदोलन के बारे में कहीं कहीं चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम सिमोन द बुआ, 1960 के आसपास एक पुस्तक आई, जिसमें स्त्री पात्रों के द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि स्त्री पात्रों के भी अधिकार होने चाहिए समाज में। उसके पीछे कारण यह है कि अगर हमारी आधी आबादी किसी प्रकार की क्रिया प्रक्रिया में, किसी चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेगी, तो उसकी ऊर्जा का दुनिया के विकास में समुचित प्रयोग नहीं होगा।
उसके अधिकारों का अगर संरक्षण नहीं होगा, उसके अधिकारों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में दुनिया असंतुलित रहे। जैसा कि हम देखते हैं कई देशों में, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी मतदान के अधिकार बहुत बाद में मिले। ये तो सौभाग्य है हमारे देश का कि जब पुरुषों को स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार मिला तो महिलाओं को भी मिला, और अब तो लगभग बराबर की स्थिति हो गई है समाज में। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि ये इतने दिनों तक स्थगित क्यों रहा। अब नारी आंदोलन असल में 1960 और 70 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें कुछ रेडिकल हैं जो केवल नारी उत्थानों की ही बात करते हैं, कुछ बराबरी की बात करते हैं कि नारी अधिकारों को, महिला अधिकारों को, और अब तो ट्रांसजेंडर के अधिकारों को भी हम इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं, इस तरह के शोध और अनुसंधान करें कि उनकी उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि वह किस प्रकार मुख्य धारा में आ जाएंगी, और जो ये सामाजिक संतुलन है वह किसी न किसी रूप से कम हो। हम यह देखेंगे कि पूरी दुनिया में हम चाहते तो थे कि यह काम हो, आगे बढ़े, और इसका हल हमने टुकड़े टुकड़े में खोजा। लेकिन टुकड़े टुकड़े में हल खोजने से एक समग्र आकलन करने के बाद इसका समाधान नहीं निकलेगा। इसको एक आंदोलन के रूप में समाज में, पूरी दुनिया के समाजों में आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से महिलाओं को उनका अधिकार प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं, एक बड़ा ऐसा विषय है, हम इन समस्याओं का समाधान किस तरह खोजें। इसको केवल समाजों के स्तर पर छोड़ दिया जाएगा कि समाज ही इसका निराकरण निकालें, समाज में ही नियम और परिनियम बनाए जाएं, जिसके आधार पर तो वो एक सतही समझ पैदा होगी, उसके आधार पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या जो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि जो अधिकारों में सामाजिक असंतुलन है, महिला और पुरुषों में सामाजिक असंतुलन है, वह उसमें सुधार हम तब ले आ पाएंगे जब उसमें विशद उन कारकों का पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से, किन वजहों से ऐतिहासिक कालखंड से लेकर आज तक महिलाओं की दशा और दिशा में उस तरह की बराबरी नहीं है जिस तरह के अधिकार पुरुषों को प्राप्त है। एक तीसरा भी खंड आया है ट्रांसजेंडर का, अब उनको बिल्कुल हमको बॉटम से, मतलब तल से उठाकर उनको सामाजिक बराबरी के साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हम इन चीज़ों को केवल समाजों के आधार पर छोड़ देंगे तो शायद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ विशेषज्ञ नहीं है समाज में, वह बने बनाए कन्वेंशनल नियमों के आधार पर, जो परंपरागत नियम है उनके आधार पर इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और हल निकालेंगे। अब इनको हमको अकादमिक संस्थानों में ले आना होगा। वह हम क्यों ले आएंगे? वह इसलिए ले आएंगे कि हम उन कारकों का पता लगाएं जिन कारकों के कारण यह असंतुलन पैदा हुआ है। इन तीनों सेक्स में, तीनों लिंगों के आधार पर, उनकी जैव शारीरिक रचना के आधार पर अगर तीनों में हमने अंतर स्थापित किया है और उन अंतरों के आधार पर हमने उनके अधिकार उत्तरदायित्व निश्चित किए, हमने मतलब पूरा विश्व समुदाय, कुछ समुदायों ने इसमें पहले सुधार कर लिया, कुछ धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। अभी हमारे देश में अभी तमाम ऐसी कानूनी प्रक्रिया चल रही है जिसके आधार पर महिलाओं को समाज में की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह यूं ही नहीं हुआ, इन समस्याओं पर समाज में लाने का प्रयास किया जाता है, इसका यह मतलब कि वो समाज की मुख्य धारा में महिलाएं नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं, ट्रांसजेंडर नहीं हैं। अभी हाल में आपने देखा कि संसद में रिजर्वेशन राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया गया है। ठीक है, वह उसकी नोटिफिकेशन की डेट अभी आगे है, लेकिन इसको जानने की कोशिश की गई कि वह कौन से कारक हैं। तो यह पहला उसमें एक यह भी कारक पता चला
कि राजनीतिक कारण भी है जिससे महिलाएं मुख्य धारा में नहीं आ पा रही हैं। अब हमको देखना यह है कि इन समस्याओं को हम अकादमिक शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों में लेकर आएं और उन कारकों का पता लगाएं जिनके कारण यह कालखंड से आज तक यह समस्या है। तो अब इनको हमको अपने विषयगत पाठ्यक्रमों में लागू करना पड़ेगा। वह लागू इसलिए करना पड़ेगा कि जो हमारे विद्यार्थी इन चीज़ों से दो चार होंगे, इन समस्याओं को कक्षाओं में बैठकर समझेंगे कि असल समस्या ये है, जो देखने पर तो लगता है कि नहीं हम इनकी शारीरिक विभिन्नताओं के कारण यह असमानता है, किंतु असल कारण उसके पीछे सामाजिक नियम पर नियम, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी चर्चा यहाँ विशद रूप से नहीं की जा सकती है। जिन कारणों से, कुछ कारण तो वैयक्तिक हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत कारणों से भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कमतर आंकी जाती है। सबसे बड़ा कारण जो पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है वह आर्थिक समृद्धि या आर्थिक अधिकार या निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में ये महिलाएं सदैव से पीछे रही हैं, जिसकी वजह से वह मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई और अधिकारों में असंतुलन बना रहा। उत्तरदायित्वों में वो उनको उत्तरदायित्व अधिक दिए गए जबकि अधिकार कम दिए गए, यह मुख्य कारण है। अब तीसरा जेंडर भी उसमें शामिल हो गया है। तो हम इन कारणों की महीन जांच परख करने के लिए इनको अकादमिक संस्थानों में ले आएँ, कक्षाओं में ले आएँ, उस पर चर्चा करें, उस पर डिस्कशन करें और एक समाधान निकालने की कोशिश करें। यह तो फौरी तौर पर एक समाधान हुआ, किंतु इनकी सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इस पर शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। और यह शोध और अध्ययन पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होना चाहिए, जैसे वह समाज आधारित अध्ययन होने चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ की समस्याएं कुछ दूसरी हैं, वहाँ गरीबी कारण नहीं है, गरीबी संसाधन कारण नहीं है या है तो कम है, वैसी स्थिति में उनके यहाँ समस्याएं दूसरी तरह की हैं। अब वहाँ जो निराकरण खोजे गए हैं वह निराकरण भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं में लागू नहीं किए जा सकते, या अफ्रीका की या एशियन देशों की समस्याओं में और जो देश हैं वहाँ नहीं लागू किए जा सकते। अब जो एशिया में जो समाधान खोजे गए हैं, जो उस पर शोध और अनुसंधान हुआ है, वह अमेरिकन या यूरोपियन समाजों में लागू नहीं किए जा सकते, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो लागू नहीं किए जा सकते, या लैटिन अमेरिकन कम्युनिटीज़ में नहीं लागू किए जा सकती। ऐसी स्थिति में विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। जब ये सारे अध्ययन हो जाए और उसका अध्ययन करने के लिए हमको सर्वप्रथम इसको अकादमिक दिशा में ले आना पड़ेगा, अकादमिक संस्थानों में ले आना पड़ेगा, तब एक समग्र समाधान खोजा जाएगा और पूरी दुनिया में समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है और एक किसी निष्कर्ष पर हम पहुँच सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि इसको निष्कर्षता इस तरह हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने देखा कि जो महिलाओं और पुरुषों में और तीसरे जेंडर या ट्रांसजेंडर में जो हमने अंतर निर्धारित किए हैं, उनके शारीरिक जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमने अंतर निर्धारित किए हैं। अब उन अंतरों को आधार बनाकर विभिन्न समाजों ने अधिकारों में को असंतुलित कर दिया, जिसकी वजह से समाज का एक भाग, पूरी दुनिया के समाज का एक भाग किसी न किसी रूप में पीछे होता गया। अब आवश्यकता महसूस की गई कि भाई ऐसा क्यों है, इनको आगे लाया जाए, क्योंकि अगर वो पीछे चला जाएगा तो पूरी दुनिया की आधी आबादी अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों से विरत रहेगी और जिसकी वजह से कई एक समस्याएं समाज में उत्पन्न होंगी जिनका निराकरण आगे चलकर असंभव। फिर हमने जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि जो जेंडर के आधार पर हम घोषित करते हैं अंतर, वह एक सांस्कृतिक संबोधन है।
आगे हमने बात किया कि यह जो अध्ययन है, जेंडर वाला अध्ययन जो है, वह 1960 के दशक से थोड़ी गंभीरता पूर्वक शुरू किया गया है। वैसे तो समाजवादी नारीवादी आंदोलन 18वीं सदी से 1920 तक माना जाता है, किंतु मुख्य रूप से जो हमारा ये आधुनिक नारीवादी आंदोलन है वह 1960 के दशक से माना जाए, जिसमें यूरोपियन देश के जैसे फ्रांस में सिमोन द बुआ की पहली पुस्तक आई सेकंड सेक्स, उसमें इसकी चर्चा की गई, महिला पात्रों के अधिकारों की चर्चा की। उसके बाद धीरे धीरे यह कालक्रम में आगे बढ़ा। अब जब उसके बाद आगे बात बढ़ी तो हम लोगों ने देखा कि इन चीज़ों को हम अकादमिक संस्थाओं में ले आएँ और समझें, जानें कि यह किस प्रकार, इसका क्या निराकरण है, इसके कारक क्या हैं, इसका निराकरण क्या है, और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें कि दुनिया को उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर में विभाजित न करके व्यक्ति के आधार पर तीनों जो जेंडर हैं, जो तीनों सेक्स हैं, तीनों लिंग हैं, उनको एक बराबर माना जाए और उनके अधिकार और उत्तरदायित्वों में समानता लाने की कोशिश की जाए। तो हमने आज यह चर्चा की, आगे इसके बाद वाली विषय में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि। तो आज हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली, आगे में इसके आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।